अभी यहाँ से आगे चलो, जैसे ओरिया गांव है ना, तो गांव में तो लोग रहते हैं और उन्हीं के खेत, उनके बाड़े बने हुए हैं वहाँ पर। अच्छा अच्छा, और उनके खेत है आगे गेहूं का, वहाँ भी गेहूं, मटर, गाजर, ये लोग सब यही बोते हैं। बहुत ये हमारे ये यहाँ पर। उसे आप कभी देखे, आपने भालू कभी देखा है? देखा फिर हम भाग गए। भालू मतलब सीधी आंख निकालता है, गजब स्टाइल है। यहाँ से फाड़ देता है और कुछ नहीं करता। वो ऐसे डाल रहे होते हैं उस पर नहीं आता, और ऐसे होते हैं सीधे तो आ जाते हैं। सीधे होते तो सीधे आते हैं तो ऊपर आ जाता। और बढ़िया जा रही है भाई। और आपने मेरा पहला व्लॉग देखा था जैसलमेर का, उस व्लॉग में आपने देखा होगा कि मुश्किल से कहीं जाकर के एक वनस्पति मिल जाए, और वनस्पति सिर्फ एक ही है, अधिकतर फोग है, वो भी बहुत दूर दूर तक एक 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 पौधे हैं। और एक तरफ इधर देखिए आप, जगह भी नहीं मिलेगी आपको, कुछ दिखेगा कि नहीं, इतनी ज़्यादा घनी वनस्पति है। और अब पता नहीं करोड़ों संख्या में वनस्पति अलग अलग प्रकार की हैं, मैं तो इसमें से किसी को भी नहीं पहचानता हूँ, एक बस इस नीलगिरी को पता है, वो भी किसी ने बताया था कि ये नीलगिरी के पेड़ हैं। भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है, बहुत चिल, ठंडी ठंडी आ रही हवा। हेलो, हेलो, कहाँ से आए भैया? हम एमपी से, इंदौर से। अच्छा इंदौर, हाँ। एमपी, वाह। आप कहाँ से आ रहे? मैं तो, हाँ आप कहाँ से आए? मैं राजस्थान से ही हूँ, बाड़मेर। कहाँ कहाँ घूमे? सब दूर घूम के आ गए, अब गुरु शिखर जा रहे हैं। अच्छा गुरु शिखर जा रहे हैं, कैसा, बढ़िया लगा? बढ़िया। पहली बार आए हो? पहले भी आए थे? अच्छा अच्छा अच्छा, हनीमून मना ले रहे हैं तो। अच्छा अरे अरे, सब शादी हुई है, शादी करके डायरेक्ट कहीं आए हैं। अभी किसकी शादी थी? शादी हम सब की थी, चार की। अच्छा अभी हुई है? और आप? फ्रेंड्स हैं हम सारे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। कहाँ से लाए हो? हैं ये आम के पेड़ है बहुत है। आपका कौन सा गाँव है? किधर है? मेरे पापा पार्वती। अच्छा, और ये कौन सा गांव है? ओरिया। ओरिया गांव यही है ले, है ना? तो ठीक है, ऐसे करो, बाय बाय, ठीक है चलते हैं। तो भैया ये आ गया ओरिया गांव, और अब हम चलते हैं आगे, इधर थोड़ी देर रुकेंगे इस गांव में। हाँ हाँ, हाय, कहाँ से हैं भैया? उदयपुर। अच्छा यहीं के लोग। तो आपका शुभ नाम? नरेश। नरेश, राजीव गांधी सेवा केंद्र ओरिया। लोग आए हैं, माता जी राम राम राम। यहाँ पे आप सर्विस करते हैं? हाँ। आप रहने वाले कहाँ के? माउंट वेट पर। वहाँ माउंट, हाँ। अबू में, यही अबू, ये पूरा नहीं जो माउंट है जो, हाँ, ये माउंट अबू। हाँ। और यहाँ से आपका जैसे ये ओरिया गांव है, तो यहाँ और कौन कौन सी जगह है जहाँ पे जैसे कोई आसपास खेत हो, यहाँ के लोकल्स जो रहते हैं उनके साथ? यहाँ पर तो जो पंचायत है ये लोकल ही है, और यहाँ पर जो काम करते बाकी सब लोकल है, हम बाहर से आते हैं। अच्छा, यहाँ ये पूरे गाँव है ना, ओरिया गाँव है ये, इस ओरिया गांव में जितने लोग रहते हैं वो लोकल ही है। जैसे ये देखो आंटी जब ये जा रहे थे गाय भैंस, ये सब लोकल ही है इनके। अच्छा, यहाँ पे ये पशु, हाँ, ये पशु, ये खेत वगैरह इनकी भी, अंदर गांव के अंदर ज़्यादा हरियाली आपको देखनी है ना, तो एक दूसरे शेर का दूसरे दोनों वहाँ पर भी ये लोग रहते हैं, और इनके खेत है वहाँ पर भी, इनके गाय भैंस दूध वगैरह वहाँ बहुत हरियाली। अच्छा, और यहाँ पे भी रास्ते में खेत आ जाएंगे? हाँ, अभी यहाँ से आगे चलो, जैसे ओरिया गाँव है ना, तो गाँव में तो लोग रहते हैं और उन्हीं के खेत, उनके बाड़े बने हुए हैं वहाँ पर, गाय भैंस और उनके खेत है,
आगे गेहूँ का वहाँ भी गेहूँ मटर गाजर ये लोग सब यही बोते हैं। बहुत ये हमारे ये यहाँ प्रॉपर यहीं के। अच्छा अच्छा ओरिया के ही हैं आप। राम राम। आगे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घूम सकते हैं, आराम से आप जा सकते हो। यहाँ से राइट में जाओगे ना आप? शेरगांव जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो वहाँ जाओ, जाते हैं। मैं एक बार मतलब जानकारी पूरी लेनी है ना, तो एक आप अचलगढ़ चले जाओ, आपको गाइड भी मिल जाएंगे, तो वो पूरी डिटेल भी बता देंगे और आपको घुमा भी देंगे। फिर यहाँ से ओरिया गाँव आएगा, फिर यहाँ से आप लेफ्ट में चढ़ोगे तो गुरु शिखर आएगा, बीच में एक जवाई गाँव और आएगा छोटा सा, वहाँ से भी गुरु शिखर आएगा, गुरु शिखर वहाँ से भी आप सब देख सकते हैं। और उसके नीचे जाओगे तो उत्तरज आएगा गाँव, नीचे उतरो, गुरु शिखर से नीचे से रोड जाने का, फिर वो शेरगांव उस नीचे की तरफ, उधर से ही शेरगांव जाने का। आप उधर सकते हो, नीचे भी उतर सकते हो। अच्छा, आप डायरेक्ट नीचे भी उतर सकते हो, माउंट वापस भी आ सकते हो और वहाँ से नीचे आप वास्तान जी होके नीचे भी उतर सकते हो सरूगंज की तरफ डायरेक्ट। और अपने राजस्थान की सबसे अगर ऊंची पंचायत है तो वो यही है? हाँ, ये राजस्थान की सबसे ऊंची पंचायत है, पंचायत समिति के अंदर ओरिया पंचायत। ओरिया पंचायत यही ओरिया गांव रावली का सबसे ऊंचा क्षेत्र पे बचा बसा हुआ ये जो गांव है ना, ये गांव। हाँ, ये गांव। इससे ऊंचा कोई नहीं है? नहीं। अच्छा, मान लो ये राजस्थान के ही समझ लो, राजस्थान का सबसे ऊंचा गाँव है ओरिया। ये चोटी है रावली की, चोटी गुरु शिखर, ये सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, ये तो है ही। तो भैया ये है राजस्थान का सबसे ऊंची जो पंचायत है, और अगर नगर पालिका भी देखे तो माउंट आबू ही है। माउंट आबू, नगर पालिका देखे तो माउंट आबू। इतनी हाइट पे है पंचायत, ओरिया पंचायत का जो गांव है उत्तरज वो सबसे ऊंचा है। कौन सा? उत्तरज ना, उत्तरज वो सबसे ऊंची अरावली मतलब गुरु शिखर के गांव तो उत्तरज है और ग्राम पंचायत ये ओरिया, ये सबसे ऊंची है। तो बहुत बढ़िया, अच्छी जगह है। लोकेशन में देखे तो इतनी हरियाली है और खूब सारे लोग यहाँ पशुपालक भी हैं, तो अपने अपने खेत वगैरह आगे देखेंगे, आगे बहुत सारे खेत आएंगे और मिलेंगे। बाय। ये गुरु शिखर की तरफ जाएगा की तरफ है। और इधर अचलगढ़ है, ये अचलगढ़ है। फिर वहाँ जाने के बाद वापिस आना पड़ेगा ना, तो अचलगढ़ अच्छा है, देख के आए। अच्छा देखने। बाय। तो भाई यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है ये है अचलगढ़, और अचलगढ़ का जो किला है वो महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। तो अभी देख के आते हैं क्या है, कौन सी जगह है, कैसी है, बहुत अच्छी जगह होगी, फिर वापस आएंगे यहाँ पे। तो भाई अचलगढ़ यहाँ से दो किलोमीटर दूर है और धीरे धीरे चले जाएंगे, तो थोड़ी देर में अचलगढ़ में रुकूंगा और शाम लगभग यहाँ से मैं निकलूँगा वापस एक दो घंटे बाद। गुरु शिखर है, अभी जाऊंगा मैं इधर घूमते हुए। हाँ, पूरा ये पैदल। मैं बाड़मेर से, गाड़ी है, थोड़ा राउंड लगा के आ जाओ, क्या दिक्कत है। बाय। हेलो, क्या नाम है? प्रवीण। और अपना? विजय। बता दे, हिम्मत कर। जसपाल। तो यहाँ पे आप ये आम लेने लाए थे? हाँ। अच्छा, कहाँ से लाते हो ये? इंदर चले जाते हो उसके अंदर? यहाँ आसपास नहीं आम? क्या भाव देते हो ये? 20 का किलो। हाँ, ये थेली। एक थैली 20 की। तो कितने लेके आ जाते हो दिन में? एक खिलाओगे? कैसा है? आगे यूँ अगर जाऊँ तो यहाँ मिल जाएंगे ऐसे आम? इधर जाऊँगा तो नहीं। तो किधर है? इस तरफ। बढ़िया, कौन सा मीठा ले लो? कोई भी सब मीठे। ले लो। ये आम है, छोटे छोटे आम है। इनके नाम क्या है पता है क्या? हाँ? इसको क्या बोलते हैं? केरी बोलते हैं। मीठे होते हैं? हाँ। तो भाई चेक करते हैं। तो भाई ये एक आम लिया इनसे, चेक करते हैं कैसा है। तो मीठा लगता है केरी जैसा, लेकिन ये पका हुआ आम है।
यहाँ से कितना दूर है? बहुत दूर है, तो भालू से आप कभी देखे? आपने भालू कभी देखा है? देखा। फिर हम भाग गए। तो वो पीछा नहीं करता क्या? करता है। फिर भूखा होता तो करता है पीछा, भूखा होता है तो पीछा करता है। तो फिर आप भाग गए, आपको पकड़ा नहीं? दूर था। तो आप इतनी रिस्क लेते हो, कभी पकड़े गए तो भालू ने खाएगा नहीं क्या? खाता है। आपने कभी सुना है कि किसी को खाया? लेते हुए खाया था एक आदमी को, आँख निकाल दी थी दोनों। भालू मतलब सीधी आँख निकालता है? हाँ। गजब स्टाइल है। यहाँ से फाड़ देते हैं। आप कहाँ, कौन से गांव के? क्यारिया। कितना दूर है? यहाँ पे नीचे, वहाँ से नीचे है। हाँ। ये बताओ आप लोग स्कूल नहीं जाते क्या? यहाँ पे स्कूल बंद है। स्कूल बंद हो गई? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छठी। आप तुम नहीं जाते? तुम भी नहीं जाते? जाते। किसमें, कितनी में पढ़ते हो? पहली में। अरे वाह, 100 या 150। 100-150 बन जाते हैं एक दिन के? हाँ। तो आप ये तीनों की, आपकी कौन सी है? तेरी वो है, तेरी कहाँ है? अच्छा इधर रखी हुई है। तो तू कम कैसे लेके आया? तेरे कितने बन जाते हैं पैसे? अब ये बेच के फिर कहाँ घर जाओगे, वापस लेने जाओगे? वापस लेने जाओगे। तो इतने क्यों लाए, थोड़े और ज़्यादा लाते? आज तो मिले ही नहीं। आज मिले नहीं है, ठीक है बाय। भाई ये छोटे छोटे बच्चे देखो आप, यहाँ पे इस जंगल में आम लाते हैं और यहाँ पे आकर के बेचते हैं। कहाँ से है? दिल्ली। दिल्ली से? ओ, कब आए आप यहाँ? अर्ली मॉर्निंग में आज ही आए? और आज पूरा कल आए थे, कल नक्की लेक पे रुके थे नाइट को। अच्छा, बाकी मॉर्निंग में भी स्टार्ट किए। अच्छा, शुभ नाम आपका? मेरा सौरभ। सब डॉक्टर हैं? अरे वाह, ऑल द बेस्ट यार, सब डॉक्टर, बधाई हो आपको सबको। तो दिल्ली में प्रॉपर या कहीं आसपास? आसपास अलग अलग जगह से, बाकी तो सब खैर। अच्छा, बहुत बढ़िया। बाय। हाय। काले कलर का एक और पेड़ है, पता नहीं क्या है इसमें, कुछ लगे हुए तो हैं फल वगैरह। और सामने ये नज़दीकी हैं खजूर, अभी चेक करते हैं। ये देखिए यार, ये खजूर लगी हुई है लेकिन थोड़ी दूर है यार, पहुंच नहीं पाएंगे। तो भाई ये रहा बैग, और सामने है दुकान, तो थोड़ा बहुत कुछ खाने का देख लेते हैं, थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं, फिर थोड़ा आसान होगा घूमना। अंकल जी क्या है खाने में, कुछ गर्म चीज़ है क्या? मैगी है अपने पास भैया। हैं? मैगी है। मैगी मैगी है क्या? मैगी नहीं, तो गर्म में तो ये मैगी है बस।